सीट ऐसे किसी सीट वाले को जाके दिखाओ, आपको ऐसी सीट बना देगा, देखना फिर लश लश बन जाएगा। हेलो गाइस, कम बैक इन न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, खुशखबरी देता हूँ आपको, हमारे घर न्यू कबूतर आया हुआ। ये किसका है पता नहीं, जिसके आगे जो भाग रहा है वो आगे भाग रहा है, जो ये पीछे वाला मेरा कबूतर है, ये आगे जो भाग रहा है पता नहीं किसका कबूतर है। न्यू आया मुझे नहीं पता, बल्कि शायद अबू ने छोड़ा हो या कोई दोस्त दे गया, क्योंकि बड़े मेरे दोस्त आते हैं दे जाते हैं मेरे घर, मैं ना होता हूँ ना, घर वालों को देते हैं अंडे क्यों बाहर पे। बच्चे वहाँ सड़ने वाला, तो बड़े दोस्त आते हैं तो कोई कबूतर कोई क्या बड़े गिफ्ट दे देते हैं घर में दे देते हैं, मैं अगर ना मिलूं तो सही है। आइए आज फिर पहले पहले आपको मैं कबूतर की तरफ आता हूँ। ये देखो आगे भाग के जा रहा है, आज बड़े काम करने हैं आपके सामने। कल ब्रैकेट लगवा गया था, आज बाइक की सर्विस भी करानी है, आज बाहर जाना है, थोड़ा इंजॉय ज़्यादा करना है। तो आपको पता है पहला काम होता है आपके भाई का कबूतर, वो थोड़ा वो चेक कर ले, कबूतर चेक कर ले क्या सीन पार्ट। इस कबूतर ने अंडा दिया हुआ, इसने मुझे नहीं पता था कि इसने अंडा दिया हुआ, ठीक है। ये अंडा हो गया इसका, अंदर कबूतर बैठे हुए हैं टोटल, ठीक है। ये हो गया, आप आपको भाई इनको डालेगा बाजरा, बाजरा डाल के फिर आगे का सीन करते। ये अंडा क्या रखे, काम चेक करो हमारे इनको जी। ये देखो, ये देखो अंडा रखा हुआ है, मुर्गी ने उधर उतारा, इधर भोल बने इधर मुर्गी ने उधर उतारा, वो तूड़ी पे आपको पता है जहाँ उतारती थी। ये चावल कौन में दे उत ऊपर उतारते अंडा, पता नहीं कौन जाता उतारने, भाई मैं तो नहीं जाता, सारे पाँव खराब हो जाते हैं। तो अंडा उधर रखा हुआ है, काम चेक करो, अंडे बड़े हैं, किसी को चाहिए तो बताओ, बड़े अंडे फ्री में देगा आपको भाई। बाजरा उतारते हैं, बाजरा उठा लिए, इधर फेंक दे न्यू कबूतर को। आओ भाई तुम्हारे घर है बाजरा खा, ये देखो बहुत हर कोई भाग के आ जाते हैं। यार हमारा एक मुर्गा जो मैंने अपने कज़न को दिया था ऐसा, वो मुर्गा मेरे भाई ने कहा चेक करो, जाके चेक करना है, देखना है कि क्या हालत है उसकी। सुना है कि वो बहुत मुर्गियों के साथ छोड़ा हुआ है और उसकी हालत बड़ी ख़राब है, उसको दवाई ज़रूर करवाना पड़ेगा। बाजरा डाल दी इनको, देखो जी बाजरा डाल गया, कबूतर लड़ रहे हैं यार, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। तो ये तो हो गया काम ओके का, सही है पता, मुर्गियों सब इकट्ठी हो गई हैं, जाए बाजरा डाल दो इनका काम है, डरती बड़ी है मुझसे, सब आ जाते हैं, कोई चक्कर नहीं है, बाजरा रखते हैं। फिर आज अपना शेरू दिखा दें, लवली नाम है इसका, क्या नाम है, अरे लवली क्या वो जो दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था याद है, जो अगले दिन लड़के से उठा के आए, लवली देखने ये मेरे आ से खाना मांगेगा, देखना ये देखो, एक मिनट चला है, चलो ना मांग। ये होंडा खड़ा है, कबूतर का पूछते हैं, ये कबूतर है, ये तोते का जोड़ा और भी है, ये जोड़ा कुछ दिनों तक मेरा हो जाएगा दोस्त का, ऐसा ही उसे मैं मूल ले रहा हूँ, आपको पहले मैंने दिखाया था कब का पड़ा है मेरे पास। ये कबूतर है, ठीक है, कबूतर बड़े भाई पूछते हैं आपका कबूतर किधर है, कबूतर किधर है, कबूतर ये है जी, कबूतर के ना पर छोटे हैं। चलो आज आपको कबूतर का भी थोड़ी वो करके दिखाते हैं, इसको अपने पास बुलाते हैं, आता है या नहीं आता, अब मुझे याद रखा हुआ है या भूल गया है, उम्मीद तो है भूल गया होगा, छोड़ूंगा इसी दौड़ के देखना। ये देखो जी राजू कबूतर ना, अभी इसके ना पर बहुत छोटे हैं, सही है, इसके पर बड़े छोटे हैं, ये देखो अभी थोड़े से रहते हैं, हो जाएंगे, इसको बाइक पर उड़ाऊँगा इंशाल्लाह तो आपको साथ दिखाऊंगा। इसके पैर ख़राब हैं, थोड़े पैर धोते हैं, पैर धो के फिर इसको बिठाते हैं आगे पिंजरे में। तो मैं आया था अपने भांजे के पास, भांजे बाबा जी, तो ये बाइक खड़ा हुआ है, मैंने कहा अपने भांजों को मिल गया था, वो छोटे में ऐसा वीडियो में होते हैं आपको पता है, उनके पास आया था अभी, उनके साथ आधा घंटा घंटा बैठा हूँ। हाँ क्या देती, अब देख रहे हैं किधर जा रहे हैं वो, क्या कहते हैं इधर व्हील दिखा, मैं इधर व्हील मारता हूँ ना, कहते व्हील दिखा, डेली हले के हो जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे बाल कटवाओ, मैंने कहा मैं नहीं जाता, खुद कटवा गया हूँ, ठीक है। अब निकल रहे हैं साजे की तरफ, सर्विस कराते हैं बाइक, आपको सीन पार्ट दिखाते हैं, जो भी करते हैं व्हील शील मारें शायद। मैंने आपको बताया था कल गाइस आप जो बोलते हैं वो करते हैं, सर्विस कराएंगे अपना होंडा, आज देखना फिर लश लश बन जाएगा, आज फिर इसके साथ वीडियो बनाएंगे, मैं कहता हूँ मज़ा करेगी। ये देखो इसको कह दिया बच्चे को, एक एक अंग अंग साफ करना है इसका, वी आई भी कर साफ करें मिठू, तो सही तरीके से इसको साफ करते हैं पप्पू करके,
तो उसके बाद फिर ब्रैकेट मेरे ख्याल से आज बनवाते हैं, आज नहीं तो कल फिर ब्रैकेट बनवाएंगे, वेल्ड कराएंगे। आपको मैं समझा भी दूंगा कल ब्रैकेट का तरीका रियल, कैसे कहाँ कहाँ से कैसे वेल्ड कराते हैं, ठीक है। तो ये बाइक सर्विस होती है, सर्विस हो रही है, सर्विस हो जाए फिर आप एक तरफ निकलते हैं, आगे सीन पार्ट है वो भी दिखाते हैं। चलिए गाइस होंडा रेडी हो गया, ये चेक करो जी सीन पार्ट, बिल्कुल चकाचक। देखो जी एक एक चीज़ नोट करो, ये मेरा भाई, तो ये देखो सब कुछ ओके हो गया है। तो अब चलते हैं आगे एक तरफ, बहुत दिनों से मैंने इसको साफ़ नहीं किया था, बहुत दिनों से, अब इंशाल्लाह डेली साफ़ किया करेंगे, वो आपको दिखाया करेंगे। अब आगे की तरफ निकलते हैं, आगे का सीन पार्ट शुक्र मिला आपको दिखाते हैं। ना गई ना रात ये भी स्टार है, अल्लाह माफ़ करे। जैसा कि आपको पता है मैं घूमते फिरते चक्कर लगाते लगाते एक जगह पे आ गए, यहाँ पे मैच वैच हो रहा है, ये देखो हमने कहा टाइम पास के लिए शुगर के लिए मैच देख आते हैं, ये तो पता नहीं है कि किस किस का मैच है, लेकिन ये है कि मैच हो रहा है, थोड़ी देर यहाँ पे इंजॉय करते हैं फिर आगे निकलते हैं। मैच तो गए गर्मी वड्डी हूँ तेज़ हूँ, तो मैच तो वापस आ गए, अभी थोड़ा वीडियो शीडियो बनाने हूँ। आपको पता पुराना अड्डा होंडा देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो आप होंडे की है ना थोड़ी सी तरतीब बता देता हूँ, थोड़ा मालूम बता देता हूँ, कुछ भाइयों के सवाल कुछ सीन पट आए होते हैं तो उनको फिर कोई देख लूँ एक मिनट के कौन सा बताऊँ आप लोगों को। अब वहाँ पूछती रहती है बड़ा कुछ, सीट का भी पूछते हैं, देख लो आज सीट करीब से दिखाता हूँ, ये देखो ये बनती है सीट ऐसे, किसी सीट वाले को जाके दिखाओ आपको ऐसी सीट बना देगा, सही है। ये ज़्यादा लाहौर से बनती है, मुझे एक भाई ने गिफ्ट की थी आपको पता होगा, ठीक है अच्छा भाई है। तो बाकी इसके बाद मैं आपको किस चीज़ का बताऊँ बताओ, यार एक रोला चल रहा है मेरा ये वाला, ये मेरा नहीं जुड़ रहा इसके साथ, नहीं क्या किसी को अगर है मालूम इस बारे तो बताओ। ये देखो मेरा भाई शाहनवाज, इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद राउंड एक जगह लगा रहा हूँ, बताऊँगा आप सब भाइयों को, सही है। देखो ये लगा लिया, ये मैंने न्यू सलेंसर लिया था, सलेंसर का ये सीन पार्ट है, नीचे से फट गया, इसको भी सेट करवाते हैं, सही है। तो मेरे ना बाइक खटक बढ़ी रही है, मतलब कि आवाज़ें बड़ी दे रही है, पता नहीं क्या रोल है, इसका भी सिस्टम को देखते हैं भाई। सारा काम हो गया है, वीडियो बना लिया, होंडे की तरफ आ रहे हैं, रेलगाड़ी आ रही है, तो रेलगाड़ी आपको दिखाते हैं कि दुआ करो कि बंदों वाली हो, डब्बों वाली ना हो, बंदों वाली है। आपको कराची वाले लाहौर वाले देखो जी, गोले वाला छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि रास्ते में आ रहे दोस्त ने बोतल पिला दी है, तो फिर दिल खत्म हो गया, गोला छोला नहीं पीते, कल पीएंगे कोई आगे का और सीन आपको शो करवाते हैं, चलो फिर आगे। ये देखो ये हमारा बाजार है, छोटा सा होंडा और ये हमारा बाजार। अरे भाई पूछते हैं भाई अब रात का बाइक कैसे चलाते हो, लाइट तो है नहीं, बहुत हैवी लाइट है, ये देखो रात का पूरा रास्ता दिखाती है, ठीक है जी। तो इससे मुझे टेंशन नहीं होती रात का कि मैं लाइट के बगैर गुजारा कर सकूं, रात का सिस्टम ओके है बिल्कुल। वो ये रात कभी कभी हो जाती है बाहर, वरना मैं रात का घर ही होता हूँ, वैसे जाना हो किसी गाड़ी पे या किसी और बाइक पे चला जाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब भाई चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन के बटन पे क्लिक करके आल के बटन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह पार्ट 5 बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा व्हीलिंग वाला। अल्लाह हाफिज़।